ये एग्जाम्पल नंबर 12.10 एस एस रतन से। इस क्वेश्चन में थर्ड लिंक और फोर्थ लिंक पर टॉर्क का मैग्नीट्यूड गिवन है और डायरेक्शन गिवन है, बाकी लिंक्स के डायमेंशंस गिवन है। अब इसमें हमको फाइंड क्या करना है, सेकंड लिंक पर टॉर्क T2 इसको फाइंड करना है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर। इससे पहले जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे क्वेश्चन किया था उसमें फोर्सेस इन्वॉल्व थे अपार्ट फ्रॉम टॉर्क जो हमको फाइंड करना था सेकंड लिंक पे। इस क्वेश्चन में सिर्फ टॉर्क गिवन है और इसमें सेकंड लिंक पर हमको टॉर्क फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में टॉर्क के बीच में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करना है। या अगर इस क्वेश्चन में फोर्स भी होता, जैसे इस लिंक पर फोर्स होता, तो इन तीनों के बीच में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करना होता। जिस लिंक पर टॉर्क या फोर्स जो भी फाइंड करना है उसको छोड़ देते हैं, बाकी उसके अलावा जितने भी फोर्सेस या फिर टॉर्क हैं उनके बीच में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। और जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में बताया था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में एक फोर्स को या एक टॉर्क को वन एट अ टाइम कंसिडर करते हैं। सारा प्रोसेस कन्फिग्रेशन डायग्राम, फोर्स ट्राइंगल, वन फोर्स एट अ टाइम कंसिडर करके ड्रॉ करते हैं। और लास्ट में सेकेंड लिंक पर या जिस भी लिंक पर टॉर्क फाइंड करने को बोला जाता है उसका मैग्नीट्यूड आ जाता है या डायरेक्शन आ जाता है, उसको फाइंड करके फिर दूसरी फोर्स या टॉर्क को कंसिडर करते हैं। और सेम प्रोसीजर फॉलो करके जितने भी टॉर्क सेकंड लिंक पर या गिवन लिंक पर आ जाते हैं वन एट अ टाइम टॉर्क या फोर्स को कंसिडर करके लास्ट में उनको सम अप कर देते हैं विद साइन कन्वेंशन। और फाइनली टोटल टॉर्क हमको जिस भी लिंक पर पूछा है वो फाइंड हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप है कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, तो उसको बना लेते हैं। मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बना लिया है। इसके लिए मैंने स्केल यूज़ किया है 1 cm = 100 mm। इसको बनाना सिंपल है। हमको यहाँ पे 60° एंगल गिवन है, तो ए पॉइंट से ए बी का डायमेंशन 300 mm, यानी ए पॉइंट से 3 सेंटीमीटर का 60° पे लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद ए डी का डायमेंशन गिवन है 800, तो ए से डी 8 सेंटीमीटर, इस पॉइंट को मार्क करेंगे। अब बी पॉइंट से बी सी का है 7 सेंटीमीटर, तो बी पॉइंट से कंपास से 7 सेंटीमीटर पर यहाँ पर आर्क, और डी पॉइंट से 4 सेंटीमीटर, तो डी पॉइंट से यहाँ पर आर्क। और ये आर्क यहाँ पे जब कट करेगा इनको ज्वाइन कर देंगे, तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम अबव फिगर के अकॉर्डिंग बन जाएगा। तो अब इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। तो इसमें टॉर्क 4 गिवन है और टॉर्क 3 गिवन है। तो पहली बार में मैं टॉर्क 4 को कंसिडर करता हूँ और सेकेंड टाइम में टॉर्क 3 को कंसिडर करूँगा। तो इस लिंक पर टॉर्क 4 का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड गिवन है। इस लिंक पर मैंने टॉर्क 4 को कंसिडर किया और थर्ड लिंक पर जो टॉर्क था टॉर्क 3 उसको भी कंसिडर नहीं किया। तो बाई यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कंसिडरिंग टॉर्क 4, अब इसके बाद क्या करना है, हमको टॉर्क 2 पर इनपुट टॉर्क फाइंड करना है। तो उसके लिए लिंक 4 का एनालिसिस करेंगे, फिर लिंक 3 का, फिर फाइनली सेकंड लिंक का एनालिसिस करेंगे। तो लिंक 4 का एनालिसिस शुरू करते हैं। ये है कंसीडरिंग टॉर्क 4। लिंक 4 को मैं ड्रैग कर लेता हूँ। अब क्योंकि इसे मैं विदाउट रूलर स्केल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो हो सकता है फाइनल में जो आंसर आए थोड़ा डिफ्लेक्ट करे
बुक के आंसर के अकॉर्डिंग। तो आप इसको रूलर स्केल परचेज करके ड्रॉ करें तो एज पर बुक का आंसर मैच करेगा। तो ये लिंक 4 हो गया डी सी। इस लिंक 4 पर एक्ट कर रहा है टॉर्क 4। अब ये जो लिंक 4 है ये क्या है, इस लिंक 4 पर दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। फर्स्ट लिंक फोर्थ पर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है और थर्ड लिंक फोर्थ लिंक पर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। तो ये कौन सा केस हो गया, टॉर्क फोर्स, फोर्स कपल थ्योरम वाला केस हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हमको फोर्सेस का डायरेक्शन चाहिए जो कि अभी हमें पता नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, लिंक 3 को देखते हैं। तो लिंक 3 क्या है, टू फोर्स मेंबर है, क्यों, क्योंकि ये फोर्थ लिंक के साथ कनेक्शन में। तो फोर्थ लिंक थर्ड पर फोर्स एग्जर्ट करेगा और सेकेंड लिंक भी थर्ड पर फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो इस पर दो फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं थर्ड लिंक पर, तो ये टू फोर्स मेंबर है। और टू फोर्स मेंबर के लिए जो उस पर फोर्स एक्ट करता है वो अलोंग इट्स लेंथ एक्ट करता है। तो थर्ड लिंक को लेते हैं, थर्ड लिंक को ड्रैग करता हूँ मैं। अब इस थर्ड लिंक में अलोंग इट्स लेंथ फोर्स एक्ट करेंगे। अब इन फोर्सेस का हमको डायरेक्शन नहीं पता, पर लाइन ऑफ एक्शन हमको नोन हो गया। तो ये थर्ड लिंक है सी डी, और इसका डायरेक्शन फोर्सेस का पता नहीं पर नेमिंग हमको पता है। तो सी बी, सॉरी, तो बी पॉइंट पर फोर्स एग्जर्टेड बाय सेकंड लिंक ऑन थर्ड लिंक, और सी पॉइंट पर फोर्स एग्जर्टेड बाय फोर्थ लिंक ऑन थर्ड लिंक। तो इसको हम, अब हमको लाइन ऑफ एक्शन पता हो गया, तो हम इसको ट्रांसफर करते हैं लिंक 4 पर। अब फोर्स कपल थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फोर्स पॉइंट सी पर एक्ट कर रहा है उसके जस्ट पैरेलल फोर्स पॉइंट डी पर एक्ट करेगा। तो ये फोर्स जो पॉइंट डी पर एक्ट कर रहा है वो है फोर्स एग्जर्टेड बाय फर्स्ट लिंक ऑन फोर्थ एंड फोर्स एग्जर्टेड बाय थर्ड लिंक ऑन फोर्थ। अब ये तो रही फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन की बात, अब इनके डायरेक्शन के लिए हमको क्या देखना है, जो अप्लाइड टॉर्क है टी फोर उसका डायरेक्शन है काउंटर क्लॉकवाइज। तो जो रेजिस्टिंग फोर्सेस से जो टॉर्क इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज। तो इन फोर्सेस का डायरेक्शन अब ये क्लॉकवाइज टॉर्क इंड्यूस कर रहे हैं, फोर्स एफ 3-4 और फोर्स 1-4। हमको टॉर्क 4 का मैग्नीट्यूड पता है और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दो फोर्सेस के बीच का उसको हम मेज़र कर लेंगे, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम के स्केल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे हमको इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। T4 इक्वल्स टू F1-4 या फिर F3-4 मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेज़र कर लेते हैं,
टी फोर है हमारे पास 20, एच आर आई 3.9, कन्फिग्रेशन डायग्राम के स्केल से मल्टीप्लाई किया बाई 100 तो है 14 आ गया। इससे पहले हम देखें कि जो टॉर्क हमको गिवन है उसका यूनिट है न्यूटन मीटर, और जो हमने कन्फिग्रेशन स्केल लिया है उससे है एमएम, तो जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हमें एमएम से मीटर में करना होगा। तो मुझे इसे 1000 से डिवाइड करना होगा या 10^-3 से इंटू कर देता हूँ, तो उससे F4 आ जाएगा। अब हमको फोर्स F14 का मैग्नीट्यूड पता चल गया है, डायरेक्शन भी पता है और लाइन ऑफ एक्शन पता है। तो अब लिंक 3 का एनालिसिस करते हैं। तो लिंक 3 पर फोर्स 2-3 का जो डायरेक्शन होगा उसको लिंक 4 से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फोर्स 3-4 का डायरेक्शन इस तरीके से है, तो सी पॉइंट पर आने पर फोर्स 4-3 का डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा और बी पॉइंट पर इसके अपोजिट हो जाएगा। इसके बाद करते हैं लिंक 2 का एनालिसिस। इसको मैं ट्रांसफर कर लेता हूँ। बी पॉइंट ए पॉइंट अब ये जो लिंक 2 है ये भी फोर्स कपल मेंबर है। इस पर जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं उसका डायरेक्शन के लिए हम लिंक 3 के हेल्प ले सकते हैं। तो बी पॉइंट पर ये फोर्स है, इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं। क्योंकि ये फोर्स कपल मेंबर है तो ए पॉइंट पर इस फोर्स के पैरेलल फोर्स एक्ट हो रहा होगा। उस पर जो अप्लाइड टॉर्क है उसका हमको डायरेक्शन नहीं पता, पर इन फोर्सेस का हमको डायरेक्शन पता है। तो लिंक 2 से देखें तो बी पॉइंट पर ये डाउन की तरफ है, तो लिंक 2 पर जब आएंगे तो इसका डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ हो जाएगा। ए पॉइंट पर इसके अपोजिट डाउन की तरफ। अब इसका इन रेजिस्टिंग फोर्स से जो भी टॉर्क इंड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन देखते हैं, तो ये है क्लॉकवाइज, तो जो अप्लाइड टॉर्क होगा वो होगा काउंटर क्लॉकवाइज। टॉर्क 2, इनका नेम कर देते हैं। ए पॉइंट पर फोर्स एग्जर्टेड बाय फर्स्ट लिंक ऑन सेकंड लिंक एंड फोर्स एग्जर्टेड बाय थर्ड लिंक ऑन सेकंड लिंक। अब इस टॉर्क को फाइंड करने के लिए फोर्स का हमको मैग्नीट्यूड हमने ऊपर फाइंड कर लिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके हम इसको टॉर्क को फाइंड कर सकते हैं। H की वैल्यू आ रही है 2.8, तो इस टॉर्क को फाइंड करते हैं। T2 F32 इंटू एच, F32 ऊपर हमने फाइंड किया था 51.282, क्यों? क्योंकि जो F32 वो F23 के बराबर होगा, जो 23 है वो 43 के इक्वल होगा, और जो 43 है वो फोर्स 3-4 के बराबर होगा, और जो 3-4 है वो 1-4 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो F14 का मैग्नीट्यूड हमको पता है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ F32 के लिए। 51.282
0.282 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा था 2.8 इसको कॉन्फ़िगरेशन स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे, उसे न्यूटन मीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये आंसर आ रहा है 14.35 न्यूटन मीटर। इसका डायरेक्शन है काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये टॉर्क रहा सेकंड लिंक पर जब हमने टॉर्क फोर को कंसिडर किया था। अब इसके बाद हम टॉर्क फोर को निगलेक्ट करेंगे और लिंक थ्री पर जो टॉर्क थ्री है उसको कंसिडर करेंगे। कंसिडरिंग टॉर्क थ्री, तो पहले लिंक फोर का एनालिसिस। डी सी, अब हम लिंक फोर को देखें तो सेकंड केस में हम कंसीडर कर रहे हैं टॉर्क थ्री को, तो यानी इस पर कोई भी टॉर्क नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है। अब ये लिंक फोर्थ फर्स्ट के साथ कनेक्शन में और थर्ड के साथ कनेक्शन में, तो फर्स्ट लिंक फोर्थ लिंक पर फोर्स एग्जर्ट करेगा और थर्ड लिंक फोर्थ लिंक पर फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो ये टू फोर्स मेंबर हो गया। टू फोर्स मेंबर के लिए जो फोर्स है अलोंग इट्स लेंथ एक्ट करता है, तो इसके अलोंग फोर्स को हम शो कर देते हैं। इसका नेम है सी पॉइंट पर फोर्स एग्जर्टेड बाय थर्ड लिंक ऑन फोर्थ एंड फोर्स एग्जर्टेड बाय फर्स्ट लिंक ऑन फोर्थ। अब इसमें भी लास्ट केस की तरह हमको इनका लाइन ऑफ एक्शन पता है फोर्स का, पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं पता, तो हम लिंक थ्री को कंसीडर करते हैं। ये था लिंक फोर, अब करते हैं लिंक थ्री को कंसीडर। बी पॉइंट सी पॉइंट, अब इस पर टॉर्क एक्ट कर रहा है, उस टॉर्क का डायरेक्शन देखते हैं। तो इस पर जो टॉर्क है वो एक्ट कर रहा है लिंक थर्ड पर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज टॉर्क टी थ्री। इसका मैग्नीट्यूड क्वेश्चन डाटा में गिवन है 30 न्यूटन मीटर। अब इसके एंड पॉइंट्स पे बी पर और सी पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसके लिए हम लिंक फोर का यूज करेंगे, तो लिंक थ्री के साथ लिंक फोर को हम देखते हैं। तो ये लिंक फोर जो है टू फोर्स मेंबर है, अगर हम कंसीडर कर रहे हैं टॉर्क थ्री को तो टू फोर्स मेंबर है, ये अलोंग इट्स लेंथ इसका फोर्सेस एक्ट करेंगे, तो लिंक थर्ड पर फोर्स का जो डायरेक्शन होगा इस तरीके से। और अब क्योंकि ये थर्ड लिंक, इस पर एक टॉर्क अप्लाइड टॉर्क है और बाकी इस पर लिंक फोर और लिंक थर्ड से फोर्सेस एग्जर्ट हो रही हैं, तो ये हो गया आपका फोर्स कपल का मेंबर। तो इस पर इस फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो फोर्स कपल के मेंबर के जो हमने पहले वीडियोस में देखा है, अगर थर्ड लिंक के इस पॉइंट पर इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में है तो बी पॉइंट पर इसके पैरेलल डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो इसको मैं ट्रांसफर कर लेता हूँ और इसके पैरेलल सी पर,
एंड फोर्स का नेमिंग कर देते हैं, फोर्स एग्जर्टेड बाय सेकंड लिंग ऑन थर्ड लिंग एंड फोर्स एग्जर्टेड बाय फोर्थ लिंग ऑन थर्ड लिंग। तो अब इसमें इन फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करते हैं। अप्रॉक्सीमेट 7 टॉर्क टी थ्री इक्वल्स टू फोर्स 43 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क टी थ्री है 30, एफ थ्री हमको फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाई एच 7 आया, उसको कन्फिग्रेशन स्केल से मल्टीप्लाई किया न्यूटन मीटर करने के लिए 10,000 से डिवाइड करना है, तो एफ 43 आ रहा है 42.857 न्यूटन। अब अगर हमें फोर्स 43 का मैग्नीट्यूड नोन है तो वही मैग्नीट्यूड 23 का होगा, तो इनका लाइन ऑफ एक्शन हमें पता है। अब इनके डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, जो टॉर्क T3 है वो क्लॉकवाइज है, ये अप्लाइड टॉर्क है, और ये रिएक्शन फोर्सेस हैं, इनसे जो टॉर्क इंड्यूस होगा वो अप्लाइड टॉर्क के अपोजिट होगा, तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए 2-3 का डायरेक्शन इधर और 4-3 का डायरेक्शन इधर, अब ये एंटी क्लॉकवाइज हो गए। जब हमको लिंक 3 पर इन फोर्सेज का डायरेक्शन पता चल गया तो लिंक 4th पर ये डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, यानी 4-3 का अगर डाउन है तो लिंक 4 पर फोर्स 3-4 का अपवर्ड हो जाएगा और इसका अपोजिट 1-4 हो जाएगा। अब आते हैं हम लिंक 2 के एनालिसिस पर। लिंक पी ए, इस लिंक पर जो अप्लाइड टॉर्क है उसका हमको डायरेक्शन पता नहीं है, पर बी और ए पॉइंट पर जो रिएक्शन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका डायरेक्शन हमने लिंक 3 से नोन हो गया है, तो बी पॉइंट पर जो फोर्स एक्ट करेगा वो फोर्स होगा एफ इसके पैरेलल, और क्योंकि ये सेकंड लिंक इस पर टॉर्क अप्लाइड हो रहा है और रिएक्शन फोर्सेज हैं तो ये फोर्स कपल मेंबर हो गया, तो इस पर जो फोर्सेज होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी बी और ए पॉइंट पर, और इसका जो अप्लाइड टॉर्क होगा उसका डायरेक्शन हम इनके इंड्यूस टॉर्क से फाइंड कर लेंगे, तो बी पॉइंट पर जो फोर्स होगा वो इसके पैरेलल होगा। और ए पॉइंट पर इस फोर्स के पैरेलल, अब जब इसी प्रॉब्लम को आप रोलर स्केल से करते हैं तो इतना टाइम नहीं लगेगा। अब हमने फोर्सेस का रिएक्शन फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन डिनोट कर दिया, अब इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, इसको मैं फर्दर एक्सटेंड कर देता हूँ, अबाउट 0.5। इस फोर्स का नेम कर देते हैं, बी पॉइंट पर फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स एग्जर्टेड बाई थर्ड लिंक ऑन 2 एंड फोर्स एग्जर्टेड बाई फर्स्ट लिंक ऑन 2, इनका डायरेक्शन के लिए 2-3 जो फोर्स है वो अपवर्ड एक्ट कर रहा है तो इधर डाउनवर्ड, इसके अपोजिट 1-2 पर अपवर्ड। अब इनसे जो टॉर्क इंड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन है ये इधर और ये इधर क्लॉकवाइज,
तो जो अप्लाइड टॉर्क होगा उसका डायरेक्शन हो जाएगा काउंटर क्लॉकवाइज। इसका मैग्नीट्यूड एफ 32 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो 32 है उसका मैग्नीट्यूड 43 के इक्वल होगा। रीज़न में जो लास्ट कंसीडरिंग टॉर्क 4 के लिए था वही रीज़न इसके लिए हो जाएगा। तो एफ 32 का मैग्नीट्यूड 42.857 इंटू एच आ रहा है 0.5, उसको कन्फिग्रेशन स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए T2 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें T2 आ रहा है आपका 2.14 न्यूटन मीटर, इसका डायरेक्शन है काउंटर क्लॉकवाइज। तो अब इस तरीके से हमारे लिंक टू पर दो टॉर्क हमको फाइंड हो गए, जब हमने टॉर्क T4 कंसीडर किया था और जब दूसरी बार हमने टॉर्क T3 कंसीडर किया था। तो ये हमने एज पर सुपर पोजिशन रूल के अकॉर्डिंग किया है। अब हमको जो टोटल टॉर्क निकालना है, तो टोटल जो टॉर्क होगा एट लिंक टू वो होगा टॉर्क टू समेशन टॉर्क टू डैश, इसको T2 और इसको T2 डैश कर देते हैं विद साइन कन्वेंशन प्लस माइनस और प्लस माइनस। तो अगर मैं काउंटर क्लॉकवाइज को अज्यूम करता हूँ प्लस, तो दोनों काउंटर क्लॉकवाइज हैं तो दोनों में प्लस हो जाएगा। तो 14.35 प्लस 2.14 गिव्स 16.49 न्यूटन मीटर काउंटर क्लॉकवाइज। अब बुक में ये आंसर आ रहा है 16.18 और मेरा है 16.49। तो आप इसको रूलर स्केल की मदद से बनाएंगे तो ये आंसर मैच कर जाएगा। और बाकी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा फास्ट में बताया है। कुछ रीज़न्स हैं कि ऐसा मैंने क्यों करा है, वो मैं लास्ट वीडियोज़ में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसको और बेटर समझने के लिए उन लास्ट की वीडियोज़ को आप देखिए, ताकि आपको रीज़न समझ में आ जाएगा कि कहीं कहीं पर मैंने रीज़न टोटल एक्सप्लेन नहीं किया है। तो उसको समझने के लिए उस एक्सप्लेनेशन को आप लास्ट की वीडियोस देखिए, जो शुरू की जो बेसिक्स वीडियो है उनको देख लीजिए, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा।